जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम डिस्टेंस एंड टाइम के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप फाइव। मान लीजिए प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस ऑफिस से घर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तथा वापस ऑफिस से घर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। यहां पर एक नए वैरायटी का प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम औसत चाल एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमें यहां पर औसत चाल फाइंड आउट करना है। तो औसत चाल निकालने का फंडा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो स्थान ए से बी की ओर जाता है, और फिर मान लीजिए वापस बी से ए की ओर आता है। कोई व्यक्ति है जो स्थान ए से बी की ओर जाता है और वापस बी से ए की ओर आता है, तो यहां पर मान लीजिए यह व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी की ओर जब जाता है तो यह एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस बी से ए की ओर जब यह आता है तो यह वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों ही सूरतों में जब व्यक्ति ए से बी की ओर जा रहा है या बी से ए की ओर आ रहा है, यहां पर उसके द्वारा तय की गई दूरी है ए बी। जिसकी लंबाई हम मान सकते हैं, दूरी को मान सकते हैं डी किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति ए से बी की ओर जाता है एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अर्थात यह डी दूरी तय करता है, तो मैंने मान लिया कि यहां पर लिया गया समय है T1, और जब व्यक्ति बी से ए की ओर आता है तब इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने मान लिया कि यहां पर लिया गया समय है T2। तो ध्यान दीजिएगा, तो देयरफोर T1 बराबर होगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहां पर जब व्यक्ति ए से बी की ओर जा रहा है तो लिया गया समय T1 बराबर निकलेगा दूरी बटा चाल, दूरी है डी बटा चाल है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से T2 हम फाइंड आउट करेंगे तो यह भी होगा समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी तो बिल्कुल बी से जब ए की ओर आ रहा है तो भी दूरी है डी बटा चाल, चाल है यहां पर वाई। ध्यान दीजिएगा, अगर हम औसत चाल की बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला होता है
कुल दूरी बटा कुल समय। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर औसत चाल को डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद दिए गए प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, औसत चाल में पहली बात को हम जान रहे हैं, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो देयरफोर औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी। यहां पर पहले ए से बी की ओर गया, तो यहां पर पहली दूरी तय किया डी, फिर यहां पर बी से ए की ओर आया वापस, तो भी इसने डी दूरी तय किया। तो कुल दूरी बटा कुल समय, पहला समय है टी वन, ए से बी की ओर जाने में लगा समय है टी वन, तथा बी से ए की ओर आने में लगा समय है टी टू। तो कुल समय बराबर डी और डी हो जाएगा टू डी बटा टी वन की वैल्यू है डी बाई एक्स प्लस टी टू की वैल्यू है डी बाई वाई। तो यहां पर इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया 2d, यहां पर x और y LCM आएगा x y, ये y यहां पर जाएगा, तो ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा dx। d को कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा x plus y, यहां से d को d कैंसिल कर दीजिए, xy ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2xy बटा x plus y, ये आएगा। तो इस प्रकार से हम औसत चाल को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए इसी में हम अगला वैरायटी देखते हैं, औसत चाल में इसी में हम दूसरा वैरायटी देखते हैं। देखिएगा, देखिएगा इसी में हम दूसरा वैरायटी देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो स्थान ए से बी की ओर जाता है, स्थान ए से बी की ओर जाता है, और स्थान ए से बी की ओर यहां पर ये डी वन डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर ये जाता है बी से सी की ओर, और यहां पर ये डी टू स्पेस ट्रेवल करता है, फिर जाता है सी से डी की ओर, और यहां पर ये डी थ्री स्पेस ट्रेवल करता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए व्यक्ति ए से बी की ओर d1 डिस्टेंस x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, फिर b से c की ओर d2 डिस्टेंस y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, फिर c से d की ओर d3 डिस्टेंस z किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। तो यहां पर ए से बी की ओर जाने में लिया गया समय T1 बराबर होगा दूरी बटा चाल, बी से सी की ओर जाने में लिया गया समय T2 बराबर होगा दूरी D2 बटा चाल Y, सी से डी की ओर जाने में लिया गया समय T3 बराबर होगा दूरी D3 बटा यहां पर चाल है Z। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर यदि हमें निकालना है औसत चाल, तो जबकि हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां पर कुल दूरी होगा ए से बी की ओर गया तो डी वन, यहां से ए की बी की ओर गया तो यहां पर दूरी आ गया ए बी प्लस दूरी बी सी प्लस दूरी सी डी बटा समय है टी वन टी टू टी थ्री, कुल समय टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो यहां पर आएगा औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी, पहला दूरी है d1 प्लस d2 प्लस d3 बटा कुल समय, t1 की वैल्यू है d1 बाई x प्लस t2 की वैल्यू है d2 बाई y प्लस t3 की वैल्यू है dz d थ्री बटा जेड। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई जेड, और ये एक्स वाई जेड ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका डी वन प्लस डी टू प्लस
D3 एक्स वाई जेड और नीचे में चूंकि एलसीएम आ रहा है एक्स वाई जेड, यहां एक्स एक्स कट जाएगा तो यह आ जाएगा वाई जेड, D1 वाई जेड प्लस वाई से वाई कटेगा तो यह आ जाएगा D2 एक्स जेड, यहां जेड से जेड कट जाएगा तो यह आ जाएगा D3 एक्स वाई। तो इस प्रकार से आ गया ये औसत चाल। इसी में हम तीसरा केस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से कितनी भी डिस्टेंस आपको दी गई हो आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस, मान लीजिए यहां पर ये जो दूरी है ए से बी तक की दूरी डी है, बी से सी तक की दूरी भी डी है और सी से डी तक की दूरी भी डी है, अर्थात यहां पर दूरी बिल्कुल समान है। तो यहां पर हम देखते हैं कि लिया गया समय T1 बराबर होगा ए से बी तक ये x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, चाल से जा रहा है, तो समय बराबर होगा T1 बराबर डी बाई एक्स। बी से सी तक ये y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो लिया गया समय T2 बराबर होगा डी बाई वाई। सी से जेड तक चाल है जेड किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है डी, तो लिया गया समय T3 बराबर होगा डी बाई जेड। फिर से औसत चाल हम फाइंड आउट करते हैं तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बटा T1 T2 T3। ध्यान दीजिएगा यहां पर चूंकि दूरी है ए से बी तक डी, बी से सी तक डी और सी से डी तक भी है डी, तो यहां पर T1 की वैल्यू है डी बाई एक्स, T2 की वैल्यू है डी बाई वाई और T3 की वैल्यू है डी बाई जेड। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ये डी 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 को जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 3D यहां पर बटा एलसीएम आएगा एक्स वाई जेड। यहां पर से डी 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 को आप कॉमन कर सकते हो तो यहां जाएगा एक्स एक्स कटेगा तो यह आ जाएगा वाई जेड प्लस वाई से वाई कटेगा तो आ जाएगा एक्स जेड और जेड से जेड कटेगा तो यह आ जाएगा एक्स वाई। ये एक्स वाई जेड को ऊपर ले जाइए, डी से डी कट गया तो यह आ जाएगा आपका औसत चाल बराबर 3XYZ बटा YZ, या इसको हम जमा कर लिख सकते हैं XY प्लस YZ प्लस यहां पर ZX। तो इस प्रकार से ये औसत चाल आएगा। यहां पर आपको कितनी भी दूरी दी जाए आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं औसत चाल को, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो प्रश्न दिया गया है इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा हमें जो प्रश्न दिया गया है इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस ऑफिस से घर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है तो उसकी औसत चाल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए व्यक्ति का घर है बिंदु ए और इसका ऑफिस है बिंदु बी, तो यहां पर लिखा है एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस ऑफिस से घर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, चाल से आता है, ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो ध्यान दीजिएगा यहां से ए से बी तक की दूरी को हम डी मान लेते हैं या सिर्फ ए बी भी रहने देंगे तो भी चलेगा। मैंने मान ली कि ए से बी तक की दूरी है डी किलोमीटर, तो यहां पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए से बी तक व्यक्ति को जाने में लगा समय T1 बराबर हो जाएगा दूरी बटा 40, चाल है यहां पर 40, जबकि बी से जब ए तक आ रहा है वापस तो यहां पर आने में लिया गया समय मान लो है T2, तो T2 बराबर होगा, यहां पर T2 बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल अर्थात 60। तो यहां पर हम निकाल सकते हैं औसत चाल, तो जबकि हम जानते हैं औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहां पर दूरी है ए से बी तक गया ए बी, फिर बी से ए तक आया बी ए,
बटा कुल समय टी वन प्लस टी टू। तो यहां पर हम निकाल सकते हैं बराबर ए बी, ये डिस्टेंस है, ए से बी तक गया तो भी डी है, फिर बी से ए तक आया तो भी डिस्टेंस है डी, बटा कुल समय टी वन, टी वन की वैल्यू है डी अपॉन 40 प्लस टी टू की वैल्यू है डी अपॉन 60। तो यहां पर डी और डी हो जाएगा 2D, बटा यहां पर 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा आपका 120, 4 तिया 12, तीन बार में कटेगा, D को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा, या लिख सकते हैं 3D, ये हो जाएगा 3D प्लस 6 दुनी 12 दो आएगा 2D, यहां पर ये आ गया 2D, 120 चला जाएगा ऊपर, बराबर ये आ जाएगा आपका 5D, D से D को कैंसिल कर दीजिए, 5 से काटिए, 5 दुनी 10 बचेगा 2, 5 चौक 20, यह आ जाएगा 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर औसत चाल आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रायपुर से भिलाई जाता है तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस भिलाई से रायपुर आता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रायपुर से भिलाई जाता है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रायपुर से भिलाई जाता है, रायपुर को मैंने R मान लिया और भिलाई को मैंने B मान लिया, मैंने मान लिया कि रायपुर से भिलाई के बीच की दूरी है D किलोमीटर। तो व्यक्ति यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रायपुर से भिलाई जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो मैंने मान लिया कि व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय है T1, तो T1 बराबर होगा दूरी बटा चाल, तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस भिलाई से रायपुर आता है। अब ये भिलाई से रायपुर आ रहा है और इसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसके द्वारा लिया गया समय T2 बराबर होगा दूरी बटा चाल 50। तो जबकि हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी, यहां से R से पहले B गया तो दूरी है RB, फिर यहां पर भिलाई से रायपुर वापस आया तो यह आ जाएगा BR, बटा कुल समय, जाने में लगा समय T1, वापस आने में लगा समय T2। तो यहां पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं औसत चाल बराबर, पहला दूरी है यहां से यहां तक गया तो D, वापस भिलाई से रायपुर आया तो D है, बटा T1 समय बराबर है D/60 प्लस दूसरा समय है वापस आने का समय T2 बराबर D/50। इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, D और D हो जाएगा 2D, बटा यहां LCM लेंगे तो LCM आएगा यहां पर
300, जीरो से जीरो काटिए, छह पंचे तीस, तो यह आ जाएगा 5D प्लस, यहां पर जीरो से जीरो काटिए, पांच से काटेंगे, पांच छिका तीस, तो 6D, ये आ गया आपका 2D, ये 300 चला जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा 6, 5, 11 D, D से D को कैंसिल कर दीजिए, यहां पर एग्जैक्टली 11 से नहीं कटेगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 600/11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर आ रहा है 600/11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी औसत चाल होगी। इसी में हम अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, एक लड़का साइकिल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाता है, घर से स्कूल जाता है, तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से घर वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, ये प्रश्न है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक बालक है, एक लड़का है, जो अपने घर से, मान लीजिए उसका घर है बिंदु ए और उसका स्कूल है बिंदु बी, तो वो घर से स्कूल जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मान लीजिए कि घर से स्कूल के बीच की दूरी है d किलोमीटर, तो इसके द्वारा लिया गया समय होगा a से b की ओर, अर्थात घर से स्कूल जाने में लिया गया समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। वापस यह लड़का 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल से घर वापस आता है, मैंने मान लिया इसके द्वारा लिया गया समय है t2, तो समय बराबर होगा दूरी बटा चाल के, और चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जबकि हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी है यहां पर ए से बी तक गया ए बी, फिर यहां पर वापस आ रहा है बी से ए तक बी ए, बटा कुल समय, जाने में लिया गया समय t1, वापस आने में लिया गया समय t2। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, औसत चाल बराबर ए बी की वैल्यू है डी प्लस वापस आ रहा है तो भी दूरी है डी, बटा जाने में लगा समय d/6, वापस आने में लिया गया समय d/8। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर 6 और 8, 8 + 24, 6 × 24, तो यहां पर डी और डी 2D, एलसीएम आएगा 24, 6 × 24 4D प्लस 8 + 24 3D बराबर यहां पर आ गया 2D, 24 चला जाएगा ऊपर, यह आ जाएगा 7D, 7 से नहीं कटेगा तो डी से डी को काट दीजिए, यह आ जाएगा 24 × 48/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही है अभीष्ट औसत चाल।